हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे आज, क्लास टेंथ, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, फार्मर वांट टू मेक ए रेक्टेंगुलर पेन फॉर हिज शिप इन द गार्डन नियर हिज हाउस। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेन बनाना चाहता है वो अपनी शिप्स के लिए, नियर गार्डन, अपने हाउस के पास, गार्डन के अंदर, सॉरी। टू मेक द पेन द फार्मर प्लांट टू मेक इट विद वुडन फेंसिंग टू कवर द थ्री साइड। तीन साइड को कवर करने के लिए वो वुडन फेंसिंग लगाता है, लकड़ी की फेंसिंग लगाता है। और ही हैज 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल, उसके पास 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल है टू कवर थ्री साइड एंड द अदर साइड बीइंग ए ब्रिक वॉल। तो एक तरफ दीवार होगी और बाकी तीन तरफ उसको फेंसिंग करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर विड्थ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी। तो विड्थ अगर एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉल ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा विड्थ अगर एक्स है तो फेंसिंग कितनी है हमारे पास, एक्स प्लस एल इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, फेंसिंग यहाँ पे होगी तो एल की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 2x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एरिया ऑफ पेन यूजिंग द लेंथ एज कैलकुलेटेड इन वन, फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ कैलकुलेटेड की है उसके अकॉर्डिंग एरिया कितना होगा। अब एरिया सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ कितनी है 60 माइनस 2x और विड्थ है यहाँ पे x, तो 60x - 2x² एरिया हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एरिया इज 250। तो इसमें कितना दे रखा है, एरिया 250 यानी 60x - 2x² = 250। तो सबको लेफ्ट राइट हैंड पहले आते हैं, 2x² - 60x + 250 = 0। 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। और फोर्थ पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल विड्थ इफ एरिया ऑफ पेन इज 400y। विड्थ कितनी होगी अगर एरिया 400 है तो। तो इस पार्ट में उसने एरिया चेंज कर दिया है, तो 60 - 2x² = 400। तो 2x² - 60x + 400 2 से डिवाइड कर देंगे और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, 20x - 10x + 20 = 0। तो x - 20 और x - 10, तो x कितना आ गया 20 मीटर और यहाँ पे आ गया 10 मीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट वुड कुड बी द पॉसिबल विड्थ। तो पॉसिबल विड्थ हमारी 10 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन तो गिवन नहीं है, सिर्फ दोनों ही पॉसिबल होंगी। तो ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन था केस स्टडी का, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान क्वेश्चन था, बट सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल में ये वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।